दोस्तों इस वीडियो में बड़ी मजा आने वाली है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला शब्द है कि सीता और गीता। सीता में स पे बड़ी की मात्रा आती है और गीता पे भी ग पे बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन दोनों को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तब यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। कैसे? सीता की स्पेलिंग बनती है SITA और गीता की स्पेलिंग बनती है GEETA। ऐसा क्यों? बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा इसे। दोस्तों जब भी हम हिंदी में से अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं सेम टू सेम वर्ड्स, जैसे नाम हुए, कुछ वर्ड ऐसे हुए कि जो हम सेम टू सेम जैसा हिंदी में है वैसा का वैसा अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो हमें हमारे उच्चारण पर खास करके ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने सीता और गीता जो बताया है, सीता और गीता, आप अपने मुंह से अपना उच्चारण कीजिए इसका। सीता के अंदर स पे जो ई की मात्रा का जो जोर लगने वाला है ना, वो ग से, गीता के अंदर ग से थोड़ा कम लगेगा। सीता और गीता, ठीक है, गीता हम जोर दे रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा पर हम ग के अंदर जोर दे रहे हैं, इसलिए वहां पर डबल ई आ रहा है, और जहां पर हम जोर नहीं देते हैं वहां पर हम आई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि उच्चारण कैसा हो रहा है, और उच्चारण को ध्यान में रख करके अगर आप कोई भी शब्द अगर आप लिखते हैं तो आपको गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ भी कन्फ्यूजन वाले जो भी शब्द हों आपके जहन में तो वो जरूर लिखिए, उसके अंदर मैं उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या रहता है कि आपके नज़दीकी जानने वालों को भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या रहता है ना कि मेरे नए नए वीडियोज़ जो भी आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों।